आता बघूया आपण वाट बघू, कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाई काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव ठाकुर, और जैसे कि आपने अभी देखा यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल का ये कहना है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में पीओके बाय 2024 इंडिया में मर्ज हो सकता है। अब तक कई सारे इंडियन मिनिस्टर ने मीडिया में ओपनली ये सिमिलर क्लेम्स किए हैं। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। इंडियन आर्मी विल कैरी आउट एनी ऑर्डर व्हिच इज बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। इनफैक्ट 26 जून 2023 को जम्मू एंड कश्मीर में हुए नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पीओके के बारे में बात करते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह तक कहा कि अब तक पार्लियामेंट में 3 बार पीओके को यूनिफाई करने के लिए रेजोल्यूशंस पास हो भी चुके हैं। बट अब तक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये है कि पीओके की अवाम ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि यस, वो भी इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं। पाकिस्तानी रिविजनिस्ट मूव्स वुड थ्रो द होल वर्ल्ड इनटू अ ब्रूटल वार। पाकिस्तान हैज टेकन आवर फ्रीडम। ये है पीओके एक्टिविस्ट मोहम्मद सजद राजा, जो यूएन में यानी यूनाइटेड नेशंस में ओपनली पाकिस्तान के पीओके पर अत्याचार को बयां कर रहे हैं। स्कोर्स ऑफ यंग मेन from Gilgit-Baltistan are serving 70 to 90 years imprisonment for protesting against the plunder of our natural resources. और ये है another POK activist Dr. Amjad Ayub Mirza, जो again आए दिन अलग-अलग global platform से पाकिस्तानी government द्वारा POK में चल रहे human और natural resources के exploitation को criticize करते रहते हैं। In fact, इन्होंने भी ये claim किया है कि yes, POK की जनता इंडिया के साथ मिलना चाहती है, और यही same अर्ज आप वहाँ पर पाकिस्तानी government के खिलाफ चल रहे protest में भी देख सकते हो। यानी कि friends, all in all, POK की जनता समझ चुकी है और पाकिस्तान से kind of परेशान हो चुकी है। बट यू सी, हमें कुछ प्रूफ चाहिए टू क्लेम दैट पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्चुअली में पीओके को एक्सप्लॉइट कर रही है, बिकॉज बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है, यू नो, मे बी करंट इंडियन गवर्नमेंट का। सो हमारे पास प्रूफ्स क्या है? सो जब हमने इस दिशा में थोड़ी सी रिसर्च की तो हमारे पास ये सामने आया। 3 पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और न्यू दिल्ली में बेस्ड इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस IDSA द्वारा पब्लिश पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पॉलिटिक्स पार्टीज एंड पर्सनैलिटीज, इस बुक में ये क्लियरली मेंशन है कि गिलगित बाल्टिस्तान यानी पीओके का एक काफी स्ट्रेटेजिक एरिया जिसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकली काफी ज्यादा निग्लेक्ट करके रखा है। अब इस बुक ने काफी फैक्चुअली रिप्रेजेंट किया है कि कैसे गिलगित एक समय का फ्लरिश्ड रीजन हुआ करता था, जो कि आज पूरे साउथ एशिया का सबसे पुअरेस्ट और बैकवर्ड एरिया बन चुका है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? Well, चलो इंडियन साइड ऑफ कश्मीर और पीओके के डेवलपमेंट्स को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। देखो, ये है पीओके का मैप जिसमें मेजर एरिया है ये गिलगित बाल्टिस्तान, और ये छोटा सा एरिया है आजाद कश्मीर, जिसमें अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान एक ऑटोनॉमस गवर्नमेंट रिसाइड करती है जो पूरे पीओके के इंटरनल अफेयर्स को मेजरली हैंडल करती है। बट एक्चुअली में ये सिर्फ एक पपेट गवर्नमेंट है, क्योंकि मेजर पावर्स पाकिस्तान के पास है, जिसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अब जरा इंडियन जम्मू एंड कश्मीर और पीओके को कंपेयर करके देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, दोनों कश्मीर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल और एजुकेशन में काफी डिफरेंस है। JNK में 2800 से ज्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहीं पर पीओके में सिर्फ 23 है। जम्मू एंड कश्मीर में 35 यूनिवर्सिटीज है, वहीं पर पीओके में सिर्फ 6 है। सिमिलर डिस्पैरिटी आप एयरपोर्ट्स ले लो, मेडिकल कॉलेजेस ले लो, पर कैपिटा बजट एलोकेटेड ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में ले लो, सब में आपको सिमिलर डिस्पैरिटी ही मिलेगा। यहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर में एक फुल्ली फंक्शनल रेलवे नेटवर्क मौजूद है, मगर पीओके में तो एक रेलवे लाइन भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब जाहिर सी बात है, जिस रीजन में डेवलपमेंट कम होगा वहां पर लोगों के लिए भी कम अपॉर्चुनिटीज ही सरफेस करेगी, और इसी वजह से जहां पर जम्मू एंड कश्मीर का पर कैपिटा इनकम $1200 है, वहीं पर पीओके का सिर्फ $525 है। बट गाइस, स्टिल इट डजंट स्टॉप ओवर हियर। जैसे आपको मालूम है, जब भी कोई रीजन डेवलपमेंट टर्म्स में बैकवर्ड होता है तो उसे उसकी होम कंट्री बजट पैकेजेस एलोकेट करके डेवलप करने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया अपने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में बजट एलोकेट करता है ताकि वहां पर डेवलपमेंट स्पीड अप हो सके। मगर पाकिस्तान ने इसका एकदम ऑपोजिट किया है। लेकिन इंडिया का ऑन द अदर हैंड पीओके को लेकर अभी भी एक काफी इंक्लूसिव अप्रोच है। इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में आज भी 24 सीट्स पीओके रीजन के लिए रिजर्व रखी है, जो वहां की अवाम के लिए एक सॉफ्ट मैसेज की तरह है कि इंडिया में आने के बाद उनकी मांगे एटलीस्ट कंसिडर की।
की जाएगी। एंड एक्चुअली अगर आप पाकिस्तान का पीओके पर ऑक्यूपेशन भी अगर देखोगे ना, तो वो एक तरह से काफी फ्रॉडुलेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि ये सब कुछ हुआ एक बेसलेस एग्रीमेंट कराची एग्रीमेंट की वजह से, जो ये क्लेम करता है कि 1949 में इंडिया के पार्टीशन के वक्त कश्मीर की अवाम ने सामने से पाकिस्तान को अप्रोच किया था अपनी आजादी के लिए, और इसीलिए पाकिस्तान ने मदद करने के लिए पीओके को ऑक्यूपाई कर लिया। बट ये पूरी कहानी बेसलेस है, क्योंकि असली स्टोरी तो कुछ और है। दरअसल 1990s में पीओके में बेस्ड हाई कोर्ट में गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर एक केस चल रहा था। उस केस के वर्डिक्ट के दौरान लोगों को ये पता चला कि असल में पाकिस्तान ने कराची एग्रीमेंट साइन करके पीओके और उसके लोगों को चीट करके पीओके की लिटरली 90% लैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तो हुआ यू कि 1947 में इंडो पाकिस्तान वॉर के दौरान हमारे तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लेकर यूएन की मदद मांगने गए। इस डॉक्यूमेंट से इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर मिलना श्योर शॉट था, क्योंकि इसमें क्लियरली ये मेंशन था कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने कश्मीर की ऑटोनॉमी इंडिया को दी है। बट इसे काउंटर करने के लिए पाकिस्तान ने धोखे से एक फेक एग्रीमेंट बनाया, जिसके लिए रातों रात एक लोकल पॉलिटिशियन / लॉयर सरदार इब्राहिम खान को आजाद कश्मीर का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसी के साथ उस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ चौधरी गुलाम अब्बास की भी साइन ली और ये पोर्ट्रे किया कि राजा हिंदू होने की वजह से इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है। बट वहां की जनता जो मेजरली मुस्लिम है, वो अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जरिए पाकिस्तान की मदद लेकर इंडिया से आजाद होना चाहते हैं। इस कराची एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा था कि पीओके के गवर्नेंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स को दो पार्टीज में डिवाइड किया जाएगा। कुछ सब्जेक्ट्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और बाकी के सब्जेक्ट्स सरदार इब्राहिम और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कोएलिशन से बनी पीओके गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। अब क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास थी, तो पीओके के यूएन के साथ होने वाले सारे नेगोशिएशंस भी पाकिस्तानी हैंडल कर रहा था, और इसीलिए इस वजह से कभी भी पीओके की जनता के ओरिजिनल डिमांड्स दुनिया के सामने आ ही नहीं पाए। बट यहाँ पर फ्रेंड्स एक और एक मेजर ट्विस्ट है। पीओके प्रेसिडेंट सरदार इब्राहिम खान का कहना था कि उन्होंने कभी भी इस एग्रीमेंट को साइन किया ही नहीं था, बल्कि उनके सिग्नेचर्स किसी और ने फोर्ज किए थे, और पाकिस्तान उन फोर्ज सिग्नेचर्स वाले झूठे एग्रीमेंट को यूएन के पास लेकर गया था। पर इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ खास फायदा नहीं हुआ, उल्टा यूएन ने दोनों साइड के एग्रीमेंट्स को देखकर इंडियन साइड को ज्यादा फेवर किया। यूएन ने यह सलूशन दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान अपने मिलिट्री फोर्सेस को बाहर निकालेगा और फिर इंडिया उस रीजन में अपने उतने ही फोर्सेस रखेगी जो पॉसिबल रायट्स को कंट्रोल में रख सके। इसके बाद लोगों के बीच एक पब्लिक वोटिंग करके उनकी राय पूछी जाएगी। बट As usual, पाकिस्तान ने यहाँ पर भी चीटिंग की और कभी स्टेप वन को इनिशिएट ही नहीं किया। उल्टा इंडिया के खिलाफ ये नैरेटिव बिठाया कि इंडिया पब्लिक वोटिंग चाहती ही नहीं है। Now, what's interesting here is, पाकिस्तान ने पीओके के लैंड को कई चाइनीज कंपनीज को लीज पर दे दिया है, जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेस को ओपनली एक्सप्लॉइट कर रही है, और इन्हीं सब रीजंस के वजह से ही तो पीओके के लोगों को पाकिस्तान से ज्यादा अब इंडिया पर भरोसा होने लग गया है, और वो अब इंडियन जम्मू एंड कश्मीर के साथ अपना मर्जर चाहते हैं। नाउ इस मर्जर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडिया के पास मेजरली तीन तरीके हैं। पहला क्लासिक वे है इन्वेट करके पीओके को अपने अंडर ले लेना, और फिर जैसे यूएन ने कहा था वहां पर एक पब्लिक वोटिंग रखकर उसके रिजल्ट के अनुसार डिसीजन लेना, यू नो काइंड ऑफ उसी तरह जिस तरह रशिया ने क्रीमिया रीजन में जबरदस्ती किया था। 2014 की ये बात है, क्रीमियन इन्वेजन में रशिया ने वहां पर अपनी फोर्सेस को भेजकर मिलिट्री कैंप्स, एयरपोर्ट्स और बाकी इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने क्रीमिया में एक रेफरेंडम / वोटिंग रखा, जहां पर लोगों के पास एक ऑप्शन इंडिपेंडेंट होने का था और दूसरा ऑप्शन रशिया के साथ जुड़ने का था। अब क्रीमिया बीइंग अ रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटी एरिया, रेफरेंडम में रशिया के मुताबिक 97% लोगों ने रशिया के साथ जुड़ने का फैसला किया। मगर यहां पर एक प्रॉब्लम थी, यूएन ने रशिया की इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि यूएन चार्टर के डीकोलोनाइजेशन लॉ के मुताबिक किसी रेफरेंडम को यूएन तब रिकॉग्नाइज करेगा जब वहां पर वो खुद या कोई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑब्जर्वर मौजूद हो जो इस रेफरेंडम के फेयर होने पर चेक्स रखे। बट रशिया के केस में ऐसा कोई ऑब्जर्वर नहीं था, और इसीलिए यूएन आज तक क्रीमिया रेफरेंडम को क्रीमिया इन्वेजन कहते आ रही है। सो अगर इंडिया भी आगे चलकर ऐसा कुछ करता है, तो उसे वहां पर कंडक्ट होने वाले रेफरेंडम में यूएन को एज एन ऑब्जर्वर रखना मैंडेटरी होगा, नहीं तो इंडिया को भी एक इन्वेजिव कंट्री के तौर पर क्रिटिसाइज किया जाएगा, जो कि अब तक एक काफी पीसफुल कंट्री मानी जाती है। बिसाइड्स
अगर हम इस क्रिटिसिज्म को झेल भी ले तो भी ये बात यहाँ पर आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि रिसेंटली LOC यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर चाइनीज कैनन्स डिप्लॉयड है। ये इसीलिए है क्योंकि जितना डर पाकिस्तान को अपनी इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी को खोने का है, उससे कहीं ज्यादा डर तो चाइना को अपने हैवी इन्वेस्टमेंट्स को खोने का है। चाइना ने सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के प्रोजेक्ट में ही अब तक $65 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जो मेजरली POK से होकर ही गुजरता है। अब चाइना को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान फिलहाल उस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है जहां पर वो सारे इन्वेस्टमेंट्स को रीपे कर पाए। और तो और, अगर इंडिया उन चाइनीज इन्वेस्टेड प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेती है तो उसके सारे पैसे वेस्ट होने वाले हैं, और इसीलिए अपनी टेरिटरी कोटिंग पाकिस्तान और अपने इन्वेस्टमेंट्स को बचाने के लिए चाइना अब पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के अगेंस्ट एक 2-फ्रंट वॉर लॉन्च कर सकता है, जिसमें इंडिया के लॉसेस होने के अच्छे खासे चांस है, और इसीलिए इंडिया के लिए फिलहाल ये एक वायबल ऑप्शन नहीं। अब दूसरा जरिया जिससे इंडिया POK को यूनिफाई कर सकता है वो है पाकिस्तान के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करके। 1867 में रशिया और US में ट्रीटी ऑफ सेसेशन साइन हुआ था, जिसमें उस वक्त $7.2 मिलियन लेकर USA ने रशिया से अलास्का खरीदा था। अब पाकिस्तान के फिलहाल चल रहे इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए इंडिया पाकिस्तान को एक फाइनेंशियल ऑफर दे सकता है और ऑफिशियली बिना किसी वॉर के POK को अपने नाम पर कर सकता है। बट अगेन देयर इज अ कैच। करंट इंडियन गवर्नमेंट बार बार ओपनली ये रीइंस्टेट कर चुकी है दैट कश्मीर इज एन इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग POK। अब ऐसे में अगर POK को पैसे देकर खरीदेंगे तो ऑपोजिशन और लोग ये कहेंगे कि अगर POK सच्ची में इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है तो उसे खरीदने की क्या जरूरत पड़ रही है, मतलब करंट गवर्नमेंट झूठ बोल रही थी, भला अपनी चीज को पैसे देकर कोई खुद क्यों लेगा। और इसीलिए अगर इन एग्रीमेंट्स में इकोनॉमिक नेगोशिएशंस आएंगे इंडिया के लिए ये एक फीजिबल ऑप्शन नहीं रहेगा। तीसरा तरीका भी है इंडिया के पास, जो है UN इंटरवेंशन। अब ये इंडिया के पास बचा एक आखिरी रास्ता है, UN इंटरवेंशन की मांग रखना, क्योंकि पहले भी UN ने ऐसे केसेस में इंटरवीन किया है, जैसे इराक और कुवैत का वॉर ले लो। इराक को कुवैत के ऑयल रिजर्व्स कैप्चर करने थे, जिसके कारण उसने 2 अगस्त 1990 को कुवैत पर एक ऑल आउट अटैक लॉन्च कर दिया था। अब इराक के सामने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज ना होने के कारण कुवैत गवर्नमेंट ने UN से हेल्प मांगी। UN ने इंटरवीन करते हुए सबसे पहले इराक को अपने ट्रूप्स पीछे ले जाने के लिए 1.5 महीने का समय दिया, जो ऑर्डर्स इराक ने नहीं माने। सो इसके रिटेलिएशन में UN और एलाइड फोर्सेस ने मिलकर अपने फोर्सेस को ऑन ग्राउंड उतार दिया वहां पर इराकी फोर्सेस पर अटैक लॉन्च करने के लिए। इन हेवी अटैक्स को देखकर कई सारे इराकी ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया और 28 फरवरी 1991 में इराक ने वॉर में हारने के बाद सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी कुवैत को वापस दे दी। अब इस मेथड की खास बात देखो, इसमें कुवैत को खुद वॉर में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी एंड एट द सेम टाइम उसकी टेरिटरी भी सेफगार्ड हो गई, यानी कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो अगर POK के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया भी इस मुद्दे को G20 जैसे इंटरनेशनल स्टेज पर दिखाकर UN इंटरवेंशन की मांग करता है तो ये काफी हेल्पफुल होगा। UN से हेल्प मांगने से इंडिया को इस इशू में एक अपर हैंड भी मिलेगा और UN इसे डिप्लोमेटिकली रिजोल्व भी कर पाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल स्टेज पर जाने के बाद बाकी कंट्रीज भी इंडिया का सपोर्ट कर सकती है बिकॉज ऑफ इंडिया गुड रेप्यूटेशन। सभी को पता है इंडिया की क्रेडिबिलिटी आज पूरे दुनिया में किस लेवल पर पहुंच चुकी है और वहीं पर पाकिस्तान की कितनी गिरती जा रही है, और इसीलिए मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडिया को अब एक व्हाइट पेपर रिलीज करना चाहिए, यानी कि एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो POK की ग्राउंड रिपोर्ट और प्रॉब्लम्स बताए, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन हो कि पाकिस्तान ने इंडियन टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इससे सारे कंट्रीज पाकिस्तान पर दबाव बना सकते हैं, जिससे पाकिस्तान POK को फ्री करने पर मजबूर हो जाएगा। इनफैक्ट इसी से जुड़ी एक लेटेस्ट खबर यह है कि 10 जुलाई से पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में ब्लॉक कर दिया गया और ये खुद पाकिस्तानी ट्विटर यूजर्स कह रहे हैं। अब इस पर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये इंडिया ने करवाया क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, बट पाकिस्तानी सरकार ने एज ऑलवेज इसे भी डिनाई किया है। बट अगर ये इंडिया ने ही किया है तो इसे 2024 से पहले इंडिया की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है। अब फ्रेंड्स थोड़ा बात करते हैं इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे अगर POK इंडिया से जुड़ जाता है। सबसे पहला बेनिफिट, पाकिस्तान और चाइना के बीच कोई लैंड बॉर्डर ही नहीं रहेगा। इसी के साथ चाइना के पाकिस्तान के साथ सारे कनेक्शंस भी टूट जाएंगे और पाकिस्तान के ग्वादड़ पोर्ट को अपने मलाका स्ट्रेट रूट बनाने का जो प्लान है वो भी वहीं पर कोलैप्स हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स इस मर्जर से इंडिया को एक और एक फायदा होगा,
इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सेंट्रल एशियन रीजन CAR के डोर्स ओपन हो जाएंगे। एक्चुअली अभी फिलहाल इंडिया ईरान में चल रहे INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट से ही मेजरली सेंट्रल एशिया से ट्रेड करता है, और इसीलिए फिलहाल उस सेंट्रल एशियन रीजन से इंडिया का ट्रेड काफी कम है। अगर चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जहां पर चाइना CAR के साथ $100 बिलियन का ट्रेड करता है, तो वहीं पर इंडिया सिर्फ $2 बिलियन का ट्रेड करता है आज की तारीख में। और इसीलिए POK इंडिया का पार्ट बनने से सेंट्रल एशियन रीजन का मार्केट इंडिया के लिए खुल जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। मगर ये फायदा सिर्फ इंडिया यानी कि मेनलैंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ही नहीं होगा, बल्कि POK में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन होने के बस 4 सालों में ही इंडियन जम्मू एंड कश्मीर रीजन में अब तक की हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव हुई है। और इससे आप ये समझ सकते हो अगर POK यूनाइट होता है तो वो भी कुछ ऐसे ही कुछ सालों में डेवलप होने लगेगा, और इसमें अच्छा खासा रोल होगा करंट गवर्नमेंट के प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज, जैसे कि UPI जो कि सिंगापुर के बाद अब सऊदी अरेबिया ने अपने सिस्टम में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, जिससे वहां पर रहने वाले इंडियंस NRIs अपने फैमिली या फ्रेंड से कुछ ही सेकेंड्स में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस जब UPI इंडिया में लॉन्च हो रहा था तो काफी सारे प्रोपोगंडा वाले लोगों ने कैसे कहा था UPI कोई काम का नहीं होने वाला, आगे चल के इंडिया को एक गलत दिशा में लेके जा रहा है, ये यूजलेस साबित होने वाला है। बट आज के तारीख में UPI इंडिया के लिए वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज साबित हुई है, इतना कि दूसरे कंट्रीज इंडिया की केस स्टडी लेकर सिमिलर स्कीम्स को सिमिलर सिस्टम्स को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं। इसके बारे में पूरे डिटेल में मैंने इस वीडियो पर यहां पर कवर किया कि कैसे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज UPI को अपना रहे। सो डू क्लिक ओवर हियर एंड चेक इट आउट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे इनफॉर्म्ड। और अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना, गौरव ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना करो। सी यू नेक्स्ट टाइम, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।